सेशन 194D इंश्योरेंस कमीशन। 194D क्या बोलता है, इंश्योरेंस कमीशन पे अगर आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन रिसीव हो रही है तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका पेमेंट का अमाउंट जो भी है वो लेस देन कमीशन का अमाउंट अगर क्या है 15,000 से लेस है तो आपके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट 15,000 से ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से 194D इंश्योरेंस कमीशन का जो भी टीडीएस का प्रोविजन है वो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर इसमें पेयर कौन होता है, एनी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, पेयर हो सकता है और कोई भी एनी रेजिडेंट क्या हो सकता है, पे ही हो सकता है, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा, एट द रेट ऑफ 5%। लेकिन ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन थोड़े समय के लिए मैंने डेट बताया आपको 14th of May से लेकर, ठीक है, 14th of May 2020 से लेकर 31st of March 2021 तक के आपका जो रेट ऑफ टीडीएस है ऑन इंश्योरेंस कमीशन विल बी 3.75%, ठीक है, थोड़े सिचुएशंस के लिए। लेकिन अगर इस पीरियड के लिए रेट ऑफ टीडीएस विल बी 3.75%, अदरवाइज ये परसेंट कितना है 5%। और टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या होने वाला है, क्रेडिट आर द पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो रिवाइज करेंगे कि सेक्शन 194D किस बारे में बात करता है, कमीशन ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो भी कमीशन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर अगर आपको किसी प्रकार का इंश्योरेंस कमीशन रिसीव हो रहा है जिसका अमाउंट एक्सीड करता है 15,000 rupees से, तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% क्या होगा, डिडक्ट होगा। लेकिन ड्यू टू द कोविड सिचुएशंस की वजह से 14th ऑफ मे 20 से लेकर 31st ऑफ मार्च 21 तक के जो भी सिचुएशंस है उसमें आपको 3.75 फीट क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्काउंट दिया है, कंसेशन दिया है, ठीक है। तो पेयर कौन होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है और पे भी एनी रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है।